हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे साउंड के लेक्चर टू की। ओके बेटा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था साउंड के बारे में कि साउंड क्या होता है, वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग होता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब साउंड के लेक्चर टू के बारे में बात करेंगे बेटा कि साउंड का लेक्चर टू में हम लोग क्या क्या टॉपिक कंटेंट करने वाले। उसमें ये देख रहे थे कि इको का यूज़ क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इको की भी। इको क्या होता है कि जब साउंड का रिफ्लेक्शन आपको वापस से सुनाई देता है बेटा, जब साउंड रिफ्लेक्ट करता है सेम एज, तो साउंड का रिफ्लेक्शन जब आपको सुनाई देता है बेटा तो उसे हम कहते हैं इको। और जब ये इको बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम सुनाई देते हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी वॉइस आपको कब सुनाई दे रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा रिवर्बरेशन। ठीक है, तो देखिएगा आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो बेटा फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग को दिखा रहा है कि डिटरमिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको, कि हम स्पीड ऑफ साउंड को विद द मेथड ऑफ इको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से इको को इको की हेल्प से साउंड की स्पीड मेजर करते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, इसके लिए एक सिंपल सी चीज होती है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद दिया है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 2d अपॉन t। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग टी मान 2d मान ले रहे हैं और ये टी हो जा रहा है। ये कैसे माना जा रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए समझना। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड बाई द मेथड ऑफ इको, तो मान लीजिए यहाँ एक कोई हाई क्लिफ है। ठीक है, ये कोई हाई क्लिफ है और यहां से आपने साउंड जनरेट किया। यहां से आपने क्या किया बेटा, साउंड जनरेट किया। तो ऑब्वियस सी बात है साउंड वेव्स यहां तक जाएंगी और फिर यहां से वापस आएंगी यहां तक, तब आपको इको सुनाई देगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है बेटा, डी। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, डी। तो साउंड अगर एक बार इस साइड में गया दैट इज डी, वापस आएगा देन इट इज आल्सो डी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी चला बेटा, दैट इज डी प्लस डी दैट इज 2d। तो इसने टोटल डिस्टेंस चली 2d। और साउंड का इको सुनाई देने में आपको जो टाइम लगा, जब आपने साउंड जनरेट किया, आपने स्टॉप वॉच ली हुई है, आपने साउंड जनरेट किया और दोबारा जब आपको साउंड सुनाई देता है तो आपने स्टॉप वॉच में कैलकुलेट कर लिया कि आपका टाइम कितना लग रहा है, दैट इज द टोटल टाइम। सो द स्पीड ऑफ साउंड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमें पता है, हमें टाइम पता है, तो हम अपने साउंड की स्पीड गेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एन इको। तो इको के मेथड से किस तरीके से हमें साउंड पता चलता है, ये तरीका हमारा होता है। ठीक है बेटा, अगर हम इकोस के यूज के बारे में देखेंगे बेटा, तो देखिएगा इको का यूज भी हम बहुत जगह करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है यूजेज ऑफ इको, पहला कह रहा है इकोस फाइंड दियर एप्लीकेशन इन द साउंड रेंजिंग एंड द इको डेप्थ साउंडिंग बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखिए साउंड में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं। ठीक है, कैसे अल्ट्रासोनिक बेटा, अब ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, एक ह्यूमन बीइंग की जो एक रेंज होती है, हियरिंग रेंज होती है, वो कितनी होती है, वो होती है बेटा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज को हम लोग हियरिंग रेंज बोलते हैं। ठीक है, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, हियरिंग रेंज बोलते हैं। इस रेंज में कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन इस रेंज की वॉइस को सुनता है, इस रेंज के साउंड को सुनता है, फ्रिक्वेंसी को। लेकिन अगर 20 से कम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 20 से कम की फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो उस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर 20,000 से ऊपर की है तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है बेटा, तो ये दोनों रेंजेस हमें सुनाई नहीं देती, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें नहीं सुनाई देते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड हमें सुनाई नहीं देते। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो वही कह रहा है द इको फाइंड दियर एप्लीकेशन इन द साउंड रेंजिंग एंड इको डेप्थ साउंडिंग बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। आगे कह रहा है द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब बेटा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आर यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से, दे कैन ट्रेवल अनडेविएट थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब इस रेंज की जो साउंड है वो काफी लंबी डिस्टेंस तक कवर होती है,
दे कैन बी कन्फाइंड टू ए नैरो बीम, ये नैरो बीम के थ्रू चलती है, मतलब एक तरीके से कन्फाइंड टू ए नैरो बीम, इसका साउंड रेंज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत फ्रिक्वेंसी चूंकि हाई होती है तो बहुत ही नैरो बीम से बनकर चलती है। आगे कह रहा है दे आर नॉट इजली एब्जॉर्ब इन मीडियम, ये जल्दी किसी मीडियम से एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब इनकी एनर्जी जल्दी लॉस नहीं होती, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करती है। ठीक है, इस तरीके से, इस वजह से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। अब इनका यूज कहां कहां होता है, कौन कौन करता है, किस तरीके से करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है यूज ऑफ इको बाई बैट्स डॉल्फिन एंड फिशरमैन। अगर मैं बैट्स की बात करूंगा तो देखिए होता क्या है, यहां पे लिखा है बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अप टू 100 किलोहर्ट्ज। 100 किलोहर्ट्ज मतलब हम 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर के साउंड को सुन नहीं सकते, और बैट 100 किलोहर्ट्ज के साउंड को प्रोड्यूस करता है और उसे डिटेक्ट भी कर लेता है। ठीक है, बैट्स फ्लाई विद द स्पीड मच लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अब बैट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा तो होती नहीं है, तो इसलिए ये कैसे उड़ता है, देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बैट के उड़ने का प्रोसेस क्या होता है, रात में, अंधेरी रात में, ऐसा नहीं कि उसे बहुत कुछ अच्छे से दिखाई देता है, वो साउंड्स की हेल्प से उड़ता है। होता क्या, जैसे मान लीजिए कि सामने एक वॉल है, ठीक है, और यहां पर एक बैट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक बैट है, ये बैट है, ये क्या करता है बेटा, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, यहां से साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये साउंड प्रोड्यूस मतलब साउंड प्रोड्यूस किया, अब ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हुए आगे चलता है, तो ये साउंड जब आगे की तरफ जाता है तो इस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ टकराएगा और इको जनरेट होगा, ये वापस आएगा, और जब तक ये बैट अपनी इस पोजीशन से, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचता है, तब तक इसको ये साउंड इसका वापस मिल जाता है, और जब साउंड इसको वापस मिलता है तो इसके ईयर के थ्रू ये अपने इको को डिटेक्ट कर लेता है बेटा, और डिटेक्ट करके ये मेजर कर लेता है कि मेरे सामने कितनी डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ये टर्न ले लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी किसी रूम में या किसी छोटे से प्लेस में अगर बैट आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बैट ज्यादातर क्या होता है, वॉल साइड में जाते हैं और जैसे या तो टकरा जाते हैं या तो टकराने से पहले ही जस्ट वो बेंड हो जाते हैं, टर्न कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो छोटा स्पेस होता है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी डिटेक्ट कर नहीं पाते, इसलिए ऐसा होता है। तो बैट विद द हेल्प ऑफ साउंड उड़ते हैं बेटा, ठीक है, और कैसे उड़ते हैं ये आपको पता चला अच्छा, ऐसे ही वो अपने प्रे को, अपने सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके पता करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उनका प्रे होगा कि या क्या, कैसा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मक्खी है, ठीक है, अब बैट ने साउंड प्रोड्यूस किया तो उसने देखा कि मैक्सिमम साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, मैक्सिमम साउंड आगे आ रहे हैं और साउंड का केवल कुछ ही पार्ट वापस आ रहा है, ठीक है, और वो कंटिन्यू मूविंग है, तो वो उसको डिटेक्ट करके समझ जाएगा कि सामने वाला कोई प्रे है जिसको वो क्या कर सकता है, खा सकता है, तो इस तरीके से वो चीजों मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनको खाता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से बैट क्या करता है बेटा, इको का प्रोड्यूस करके, एक तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करके और उसको डिटेक्ट करके वो उड़ता है, विद द हेल्प ऑफ इको वो उड़ता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो उड़ता है इसी हेल्प से। डॉल्फिन की बात करेंगे अगर, तो कह रहा है यहां पर डॉल्फिन डिटेक्ट डियर इन मी एंड ऑब्स्टिकल्स बाय इमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हियरिंग डियर इको, दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर हंटिंग डियर प्रे। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, डॉल्फिन क्या करती है, इको जनरेट करती हैं। अब अपने मन से तो इको जनरेट नहीं होता, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। अब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके कहीं से आता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो डॉल्फिन होती हैं वो ज्यादातर पानी के अंदर होती हैं, तो पानी में थोड़ी सी साउंड की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, और फास्ट हो जाती है साउंड में, पानी में साउंड की स्पीड थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है, तो उनको और जल्दी रेंजिंग मिल जाती है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं और वो सामने कहीं जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर या किसी प्रे से टकरा कर वापस आता है, वो उसको डिटेक्ट करती हैं और डिटेक्शन के अकॉर्डिंग वो मेजर कर लेती हैं कि ये सामने वाला ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या फिर कोई प्रे है या फिर कुछ कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, वो उसको तुरंत मेजर करती है, उसका फिगर उनके माइंड में बन जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी हंटिंग प्रे को हंट करती हैं, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है उनका। कह रहा है अ ट्रॉलर मैन और अ फिशरमैन, एक फिशरमैन को हम लोग नॉर्मली ट्रॉलर मैन भी कहते हैं,
अ ट्रॉलर मैन और अ फिशर मैन सेंड्स ए पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम ए सोर्स, उनके पास एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है, वहां से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। तो क्या कह रहा है, अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर होता है, कह रहा है इनटू द सी एंड रिसीव द वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सोल ऑफ द फिश इन अ डिटेक्टर। उसके बाद वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको जो रिफ्लेक्शन आता है उसको डिटेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो पता करते हैं कि पानी के नीचे जहां साउंड जा रहा है वहां कोई मछली या फिर कोई बड़ी मछली ऐसी कोई चीज है कि नहीं, जिससे वो पर्टिकुलर हंट कर सके। आगे कह रहा है द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर इज नियरली 1400 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लगभग 1.5 किलोमीटर चल जाता है, 1.5 किलोमीटर इन 1 सेकेंड विच इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, साउंड वाटर में ट्रेवल करता है, ठीक है, और वो भी अल्ट्रासोनिक वेव की बात कर रही है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एक ट्रॉलर मैन वगैरह जो होते हैं, इस तरीके से इको का यूज करके वो अपने हंटिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, बैट्स यूज करते हैं, डॉल्फिन्स वगैरह यूज करती हैं, तो इस तरीके से वो अपने अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इको वो अपना सारा काम करते हैं। यूज ऑफ इको बाई सोनार, सोनार एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइस, ठीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइस एक होता है जिसे हम बेसिकली सोनार बोलते हैं, SONAR, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। कह रहा है द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग डिवाइस, द प्रिंसिपल ऑफ द सोनार इन विच द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द शिप, दीज वेव्स आर रिसीव्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल सच एज द इनमी सबमरीन, आइसबर्ग, सनकेन शिप एटसेट्रा। अब होता है क्या बेटा, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक शिप है, मान लेते हैं कि ये एक शिप है, ठीक है, और नीचे सरफेस होगा इसका, तो ये क्या करता है बेटा, यहां से साउंड को प्रोड्यूस करता है, और साउंड यहां जाएगा, इससे टकराएगा, यानी कि साउंड ऐसे गया नीचे किसी ऑब्जेक्ट से या किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराया और ये वापस आएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, तो सेंडर क्या करता है, साउंड को सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है बेटा, साउंड को रिसीव करने का काम करता है। अब क्या होता है कि हमें वाटर में साउंड की स्पीड पता होती है, हम टाइम देखते हैं कि सेंड जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं, सॉरी स्पीड तो हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डेप्थ, कि अंडर वाटर डेप्थ कितनी है, इस तरीके से हम गहराई निकालने में, डेप्थ निकालने में हेल्प होता है, ठीक है, डेप्थ निकालने। अच्छा, अंडर वाटर अगर कोई सबमरीन है, जैसे मान लो कोई इनमी सबमरीन है, अंडर वाटर टहल रही है, तो क्या करते हैं, अगर मान लो सबमरीन यहां पे है, ठीक है, एक मान लेते हैं कि यहां पर हमारी क्या बेटा, सबमरीन, तो यहां पर अगर सबमरीन है तो हम क्या करेंगे, यहां से साउंड जाएगा और सबमरीन से टकरा कर जल्दी आ जाएगा, तो अब हमें जब सबमरीन से टकरा कर आएगा तो उसका एक फिगर भी, जितने पार्ट से आता है उसका एक फिगर भी बनता जाता है कि इस तरीके का पर्टिकुलर फिगर नीचे अंदर है ऑब्स्टिकल्स, तो उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हाँ नीचे किस तरीके का ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि उसके फिगर बनते जाते हैं, जितना साउंड जल्दी आएगा उसका फिगर अलग होगा, जितना साउंड लेट रिसीव होगा उसका फिगर अलग होगा, यानी कि साउंड के अकॉर्डिंग कलर पैटर्न चेंज होते रहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि नीचे उस तरीके का ऑब्स्टिकल किस शेप में है। तो हमें सबमरीन अगर नीचे टहलती हुई मिलती है तो उसका एक फिगर हमारे पास स्क्रीन पर बनता हुआ आता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं आता बेटा, लेकिन वो एक हल्का फुल्का ऐसा फिगर आता है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो एक सबमरीन है या फिर किसी पर्टिकुलर तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट है। अभी अंडर वाटर क्या होता है, कभी कभी शिप क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, अंडर वाटर खो जाते हैं कहीं, तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं पता होती कि समुद्र में या ओशियन में किस जगह पर शिप सिंक हुआ, तो हम क्या करते हैं, वहां पर साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइस का यूज करते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, साउंड को सेंड किया जाता है चारों तरफ। अब वहां से कुछ अलग तरीके की इमेजेस अगर हमें गेट होती है, कुछ शिप शेप की इमेजेस से गेट होती है, कुछ ऊपर नीचे वाली, तो हम गेट कर लेते हैं कि हाँ भाई शिप यहीं पर सिंक है, उसके बाद हम नीचे कैमरा वगैरह डाल के देख लेते हैं। तो जो हमारे सोनार का यूज होता है, बेसिकली सोनार का यूज क्या होता है, ओशियन की डेप्थ को कैलकुलेट करने में, इनमी सबमरीन वगैरह, आइसबर्ग वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं बेटा, ठीक है।
आगे देखिएगा, एकदम सोनार की तरीके से एक डिवाइस होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड रडार, दैट इज कॉल्ड रडार, इसे बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें रेडियो वेव्स आती हैं। कह रहा है इन रडार आल्सो द इको मेथड इज यूज टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स एंड आल्सो फाइंड इट्स रेंज अ सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स सच एज द रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव इज सेंट इन स्पेस विच आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच एज इनमीज एरोप्लेन इन द पाथ रिटर्न टू द रडार इटसेल्फ। आपने देखा होगा कि रडार एक इस तरीके का रडार एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, ये क्या करता है चारों ओर बार बार घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है घूमता रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है चारों ओर घूमकर साउंड को प्रोड्यूस करता रहता है एयर में। तो जब एयर में साउंड को प्रोड्यूस करता रहता है तो इनमी के अगर मान लो कोई एरोप्लेन वगैरह है तो ये क्या करता है उनको डिटेक्ट करके तुरंत बता देता है कि हाँ सामने एक एरोप्लेन है या फिर इतनी डिस्टेंस पर एक एरोप्लेन है, क्योंकि हमें एयर में साउंड की स्पीड पता होती है। ठीक है, अब ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, तो हमारे पास एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। अब एक स्क्रीन होती है हमारे पास, तो हम रिसीवर के अकॉर्डिंग रिसीवर पर देखते हैं कि स्क्रीन पर किस तरीके की इमेज बन रही है। तो अगर स्क्रीन पर कोई इमेज एरोप्लेन जैसी या फिर उसके ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जैसी जो कंटिन्यू मोशन में है और एरोप्लेन जैसी बन रही है, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो हमारे इनमी का प्लेन है वो कितनी दूर है। इस तरीके से हम लोग बेटा रडार सिस्टम का यूज करते हैं, तो लगभग सभी कंट्रीज रडार सिस्टम का यूज करती है ताकि उन्हें हर चीज को डिटेक्ट करने में हेल्प मिले। ठीक है, यानी कि ये किसी भी कंट्री के लिए काफी हेल्पफुल डिवाइस हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कब कौन अटैक करेगा ये कुछ पता नहीं रहता है। अभी आप देख रहे होंगे फिलहाल के सिनारियों में कि रशिया और यूक्रेन की बीच में क्या हो रहा है, एक वॉर चल रहा है काफी अच्छा खासा, तो क्या उसमें यूक्रेन या रशिया रडार का यूज नहीं कर रहे होंगे? बेशक है कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें वो चेक करना है कि उनके ऊपर कब अटैक हो सकता है, इसलिए वो रडार सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बेटा, इको का यूज कहीं ना कहीं हम मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। कह रहा है यूज ऑफ इकोज इन द मेडिकल फील्ड इज अ मेडिकल सॉरी इन मेडिकल फील्ड इको मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज यूज फॉर इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन। ह्यूमन ऑर्गन की इमेज को बनाने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, सच एज लीवर, गाल ब्लैडर, यूटेरस, वॉम एटसेट्रा, इन सब का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनोग्राफी, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। आपने बेसिक सुना होगा एक वर्ड, अभी मैं समझाता हूँ आपको। आगे क्या लिखा है, सिमिलरली इको कार्डियोग्राफी इज यूज टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखिएगा, आपने बेसिक सुना होगा अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर्स जब भी आपके पेट में कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के आइए। व्हाट इज द मींस ऑफ द अल्ट्रासाउंड भाई, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर यही कहता है ना, जाके अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो क्या दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में, एक्चुअल में बेटा वो एक डिवाइस होती है, उसके नीचे आपको लिटाया जाता है, वहां से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी एक इमेज पर्टिकुलर किसी एक ऑब्स्टिकल एक स्क्रीन पर बना दी जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके इंटरनल जो ऑर्गन है वहां से जो लाइट वहां से जो साउंड होता है वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होके आता है, यानी कि जल्दी आ जाएगा। जो साउंड पूरा पास हो रहा है उसकी इमेज बनेगी ही नहीं। तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड करके अपने शरीर के अंदर के बॉडी के अंदर के जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजेस बनती हैं, सच एज द लीवर, गाल ब्लैडर, यूटेरस, वॉम एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों की। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। और सेम इसी तरीके से कार्डियोग्राफी होती है जिसमें हम हार्ट के शेप को मेजर करते हैं या फिर हार्ट की इमेज को गेट करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी इको का यूज बहुत बड़ा होता है। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया ये चीज। तो ये सब बेसिक जो यूज हो रहा है बेटा, ये सब आपके बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज हैं, कोई मेडिकल फील्ड में यूज होता है, कोई नॉर्मली वॉर में यूज होता है, तो हर तरीके का यूज है। कुछ नॉर्मल लोग इसको यूज करते हैं, कभी हम इसका यूज ओशियन की डेप्थ में गेट करने के लिए करते हैं, अंडर वाटर कोई ऑब्स्टिकल्स के सर्च में करते हैं कि कहाँ हो सकता है वो ऑब्स्टिकल अंडर वाटर। तो इन सारे सब चीजों को सर्च करने में हम इको का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब इको से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकेंड, ही नोटिस दैट द साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग कॉन्साइड विद एन इको। यानी कि अब देखो इस क्वेश्चन को समझना बेटा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आगे कह रहा है द इको इज हियर्ड ओनली वंस व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप्ड, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। अब देखिए क्या कह रहा है, एक पर्सन है, वो क्या हो रहा है बेटा, एक पर्सन है, एक बॉय है,
वो एक वॉल से 85 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। मैं एक इमेज बनाता हूं, ये एक बॉय है, ये 85 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है, दैट इज 85 मीटर। ये यहां पे क्लैपिंग करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ही प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकेंड। अगर बेटा वो 2 क्लैप पर सेकेंड, 2 क्लैप्स टाइम, 2 क्लैप्स का टाइम 1 सेकेंड है, तो 1 क्लैप का टाइम कितना होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड होगा। आगे कह रहा है, ही नोटिस दैट द साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग कॉन्साइडिंग विद एन इको, यानी कि पहला साउंड बजाया और पहला क्लैप किया और दूसरा क्लैप जब इसने किया तब इसको पहले क्लैप का इको सुनाई दिया। तो वही कह रहा है कॉन्साइडिंग, क्लैप और इको कॉन्साइड कर रहे हैं। अगर क्लैप और इको कॉन्साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा दूसरा क्लैप और मेरे पहले क्लैप का इको कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है बेटा, वो किया। आगे कह रहा है द इको इज हियर्ड ओनली वंस। अब इसीलिए तो वंस सुनाई दे रहा है, क्यों भाई? पहला क्लैप किया उसे इको नहीं आया, जैसे ही वो दूसरा क्लैप किया तो क्लैप की आवाज तो आई आई, साथ ही साथ पहले क्लैप की क्या आ गई बेटा? इको आ गई, तो उसमें डिफरेंशिएट कर नहीं पाया। अब जब उसने दूसरा क्लैप करके रुका तो उसे दूसरे क्लैप की एक और इको आई जिसे वो केवल एक ही बार सुन सकता है। इसीलिए कह रहा है कि दूसरा क्लैप और पहले क्लैप की इको एक साथ आ गए जिसे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया और उसके बाद उसे केवल एक ही क्लैप सुनाई देता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड हमें देखना है। तो हमें डिस्टेंस पता है, अगर साउंड यहां से यहां तक जाएगा और वापस से आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? टोटल डिस्टेंस का मतलब 2d, तो 2d कितना हो गया बेटा? 85 into 2 which is equal to कितना हो गया बेटा? 170, कितना हो गया बेटा? 170 मीटर। इतना मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, हो गया ना। अब जब वो पहला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो पहला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देखो वन क्लैप का टाइम, टू क्लैप का टाइम कितना था? 1 सेकेंड, तो एक क्लैप का टाइम कितना हो गया बेटा? 0.5 सेकेंड। तो यानी कि 0.5 सेकेंड में ही वही साउंड वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जैसे ही वो दूसरा साउंड जनरेट कर रहा है उसे इको पहुंच जा रहा है, जैसे ही वो दूसरा साउंड जनरेट कर रहा है उसे इको पहुंच जा रहा है, यानी कि साउंड के वापस आने का टाइम कितना हो गया बेटा? 0.5 सेकेंड में दूसरा साउंड उसे सुनाई दे दे रहा है, पहले इको सुनाई दे दे रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोगों ने लिखा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? 170 अपॉन टाइम, यानी कि 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। आ गया? तो बेटा बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेटा वो काफी इजी होते हैं, ठीक है। हाँ, बट एक चीज कंपलसरी है कि हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को गलत अंडरस्टैंड करते हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम गलत न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे। अगर हम करेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं तो हम सही से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ। एक वर्टिकल क्लिफ के सामने फायर्स ए गन, ही हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसे सुनाई देता है। ऑन मूविंग क्लोजर टू क्लिफ 82.5 मीटर, वो क्लिफ की तरफ इतनी डिस्टेंस और गया। ही फायर्स अगेन एंड हियर्स द इको आफ्टर 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो बेटा इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये क्लिफ है, वो पहले यहां पे था, यहां से उसने फायर किया और ये पर्टिकुलर कोई टोटल डिस्टेंस थी डी। ये डिस्टेंस कितनी है ये हमको नहीं मालूम है, ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस थी डी। इसके बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज पोजीशन ए, दैट इज पोजीशन बी, और ये कितना डिस्टेंस चेंज करता है? 82.5 मीटर। इतनी डिस्टेंस ये चेंज करता है। क्या कह रहा है? ऑन मूविंग क्लोजर टू क्लिफ बाई इतना, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा? डी माइनस 82.5 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस हो गई। आगे कह रहा है कि जब वो पहली पोजीशन पर होता है और गन फायर करता है तो उसे इको सुनाई देने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। कितना सेकंड का टाइम लगता है बेटा? 3 सेकंड का, ठीक है।
तो आगे क्वेश्चन तुमसे पूछा है द टोटल डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मैन। तो मैन की इनिशियल पोजिशन ए है, यहां से क्लिफ की टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और कह रहा था स्पीड ऑफ द साउंड निकालना है, तो चलो दोनों चीज निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमको डी पता है, हमको टाइम पता है, हमको स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है, तो ये हमको पता है नहीं है, हमको पता नहीं है। तो आइए थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं। तो पहली फर्स्ट कंडीशन फॉर ए के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है इको के लिए, 2d अपॉन टाइम कितना लग रहा है बेटा उसे, 3 सेकेंड का, ठीक है। ये 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू 2d अपॉन 3, ये लग रहा है बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब आगे कह रहा है कि अगर वो यहां पहुंच जाएगा पोजीशन बी पर, तब वो फायर कर रहा है, तो उसकी जो उसका जो इको है उसको अब 2.5 सेकंड लग रहा है। तो यहां पर भी निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बेटा, इस बार डिस्टेंस इतनी है, तो इसका 2 टाइम्स ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा टोटल डिस्टेंस, तो 2 × d − 82.5 अपॉन टाइम कितना लग रहा है बेटा, 2.5 सेकेंड। दैट इज इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। हमें डी निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, डी निकालना है। तो अब हम लोग क्या करें, देखो हमारा वी ये भी है, वी ये भी है, दोनों इक्वल है भाई, वी की वैल्यू वो भी है, वी की वैल्यू ये भी है, दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं और हमें डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 2d अपॉन 3 इज इक्वल टू 2d − 82.5 अपॉन 2.5। इसको इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 इधर चला जाएगा, ये अच्छा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। इसको यहां रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 2.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू d − 82.5, ये आ सकता है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें, चलो कैलकुलेट करते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर ये 0.5 से भी डिवाइड होता है, तो 0.5 से ये डिवाइड होता है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 6 टाइम में। तो 5/6 इज इक्वल टू d − 82.5। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी होगा बेटा, 82.5 को इधर कर देते हैं, ये प्लस इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 6, 5 का 5 और प्लस 82.5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, कैरी 3, 6 × 2 = 12 एंड 5 दैट इज 15, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इट इज इक्वल टू डी, यानी कि डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इसको इसमें ऐड करेंगे, दैट इज 500 अपॉन 6। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से या 6 से डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं, 6 × 1 = 6, 83.33 मीटर, कितना आ जा रहा बेटा, 83.33 मीटर, ये आ जाएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या, ओके सॉरी बच्चा, देखिए बेटा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर डी मैंने लिखा हुआ है, बट नीचे के स्टेप्स में डी लिखना भूल गया, तो सॉरी मैं इसको इरेज करके आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, मैं डी लिखना थोड़ा सा भूल गया, सो आप मत भूलिएगा, जैसी गलतियाँ अभी हुई हैं वैसी गलतियाँ आप एग्जाम हॉल में मत करिएगा, ओके। सो बी केयरफुल, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये डी अभी बचा है, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, d/3, तो ये 2.5 इधर गया, दैट इज 2.5 × d/3 विच इज इक्वल टू
डी माइनस 82.5। अब ये कैंसिल करेंगे हम 0.5 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 और नीचे आ जाएगा 3 और ये डी इज इक्वल टू डी माइनस 82.5। मैं इस 3 को इस साइड भेज दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 5d इज इक्वल टू 3d एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 5 15, कैरी 1, इतना आ रहा बेटा। अब इस d को इस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी इसको उधर साइड भेजने से अच्छा है कि हम ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके। इस डी को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, दूसरे साइड भेज देते हैं, ओके। बट बेटा भेजने से पहले एक चीज क्लियर करेंगे, देखिएगा यहां पर ये जब डिवाइड हो रहा है बेटा तो ये 6 होगा नॉट 3, ये क्या हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। ये इसको कैंसल आउट करेंगे 3 को अगर, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, सो यहां 6 आएगा 6d और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नॉट दिस, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कुछ और आ जाएगा। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 5 30, कैरी 3, पॉइंट लग गया, कैरी 1, 495, कितना आ गया बेटा 495। ये 6d है, ये 5d, तो 495 को इस साइड कर लेते हैं, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 6d माइनस 5d विच इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 495, ठीक है। कितनी आ गई डी की डिस्टेंस 495, सो द डी इज इक्वल टू 495। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझसे हल्की सी मिस्टेक हुई थी, तो आप क्लियर करेंगे कि आपसे ये मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, आप किसी भी चीज को भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने भूला तो ये क्या हो जाएगा बेटा तुरंत गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ऐसी गलतियां हो भी जाती हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको एक बार रीचेक करें, साथ ही साथ आप क्वेश्चन को केयरफुली जब रीड करेंगे तो आपका जब आंसर आएगा तो आपको एक assumption लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर एक करेक्ट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है, अगर आप हैबिचुअल हो चुके होंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बेटा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या कह रहा था, हमसे ये सारी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाना है, हमने वेलोसिटी पहली केस में और वेलोसिटी दूसरी केस में निकाला और दोनों को कंपेयरली इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद हमने क्या किया, दोनों को पर्टिकुलर सॉल्व कर दिया और हमारे पास डी का आंसर आ गया। तो ये तो था स्पीड, दूसरा क्या डिस्टेंस था, अब हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड हम पहले वाली इक्वेशन से लगा लेते हैं। तो चलो पहली वाली इक्वेशन में वी इज इक्वल टू क्या है बेटा 2d/3, तो हमने 495 और इंटू 2/3 रख दिया, दैट इज वी वैल्यू, देखते हैं 3 से 495 कैंसल आउट होता है कि नहीं होता है, तो 3 1 3 18 आराम से हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 हो गया बेटा, 3 6 18 एंड 3 5 15। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, सो द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके बेटा। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा बेटा, ठीक है, ओके बच्चा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके बच्चा, बाय बाय।